क्लब में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त होगा आधे घंटे का, जिसमें हम इसी मौजू पर क्या कुछ, मतलब ये जो अभी का विषय है और ये जो समस्या है उस पर हम किस तरह से क्या कुछ कर सकते हैं। खास तौर पर मेरा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो लॉयर्स आए हैं, जो एडवोकेट्स आए हैं, वो खास तौर पर इस पर अपनी बातें रखें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था ब्रीफली, हाथ उठाएं, माइक अब तक पहुंच जाएगा, लेकिन संक्षेप में अपनी सिविल कोड बता दें। प्रिय मित्रों, सबसे ज्यादा यदि कोई कानून तोड़ने का काम करता है वो पुलिस है। यानी जो पुलिस मैनुअल है उस मैनुअल के अनुसार वो गिरफ्तारी नहीं करता, गिरफ्तारी मेमो नहीं बनाता, और जो है बिना गिरफ्तारी मेमो बनाए वो गिरफ्तार करता है, और रेड करने के जो उसके नियम है वो अभी जो है वो अवैध तरीके से रेड करने का काम करता है। वो नियम जो है जो पुलिस अपना जो है दो गवाहों के साथ अपना जो है सर्च कराएगी शरीर का कि हम जो है कोई अवैध हथियार लेके नहीं जा रहे हैं, और ऐसा जो है कभी कोई पुलिस जो है नहीं करती है रेड करने के समय। यह जो है यह बहुत बड़ी बात है कि पुलिस वाले जितने कानून का हनन करते हैं, जितने कानून को तोड़ते हैं, आम जनता जो है वैसा नहीं करते है। जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत कोई गिरफ्तारियां नहीं होती है, यहाँ तक कि गिरफ्तारी मेमो भी नहीं बनाए जाते हैं। और यह जो है बात आ चुकी है, हम लोग सूचना के अधिकार पर जब मांगते हैं तो गिरफ्तारी मेमो जो है नहीं मिल पाता है। तो ये पुलिस का काम जो है कानून को ताक पर रख करके जो है जो करना चाहती है वो करती है, और यह बहुत ही दुखद बात है कि हमारा पूरा प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है, और भ्रष्टाचार की गंगा तो पूरे प्रशासन ऊपर से नीचे तक बह रही है। हमने हाल ही में बैकुंठपुर गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों के मजदूरी के लिए वहां जो धरना प्रदर्शन हमने किया था, और इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के लिए धरना किया था। जो प्रतीक्षा सूची बहुत आराम से ही दी जा सकती है, सूचना के अधिकार पर भी मांगी गई, धरना करके भी मांगी गई, प्रतीक्षा सूची नहीं दी गई और चयन सूची दी गई। यानी चयन सूची दी गई तो वह वीडियो जो है शंभु पांडे जो है वहाँ का एक चिंतहा गांव है उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में गया तो पाया कि वैसे लोगों को इंदिरा आवास के चयन सूची में नाम है जिनके दो मंजिले तीन मंजिले मकान हैं, और साथ के साथ जो चयन सूची में नाम पाए गए उनके मकान जो है तैयार थे। तो कहने का मकसद यह है कि जिनके लिए योजनाएं सरकार बनाती है जो लाभुक हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, और जो लाभुक नहीं है उनको ही लाभ मिलता है, और जो है जो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए वे जो है इसका लाभ अनुचित तरीके से उठाते हैं। जो नेताओं ने कहा पुलिस ममता के संबंध में, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। अभी जब हम चर्चा करेंगे वो जो अभी सत्र हुआ है आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियाँ, उसी पर चर्चा करेंगे, आगे जो मुद्दे आएंगे हम उस पर। गिरफ्तारियां जो होती है खास करके पुलिस प्रशासन जो है सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानकर ही वो किसी के यहाँ घुस जाते हैं, कोई कोरम पूरा नहीं करते हैं, कानून के कोई कोरम पूरा अपने लिए नहीं करते हैं। सारे जो कानून प्रक्रिया बना हुआ है सिर्फ मुद्दारे के लिए जो कानून है उसका उपहार करते हैं, और अरेस्टिंग के समय उनको क्या करना है, उनको क्या सावधानियां रखना है, इस पर तो एकदम नजर नहीं रखते हैं। तो खास करके मैं अनुरोध करूंगा एचआरएनएन से कि इस विषय पर हम लोगों को कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता है। चित्र रखेंगे एडवोकेट अशर सिद्दीक, अशर मुस्तफा।
जिन मौजू पे ये सेशन डिवोटेड था और इससे पहले कि मैं अपना राय जो लीगल राइट्स अवेलेबल है कानून में अरेस्टेड पर्सन्स को उन पे आप लोगों को बताऊं, आप लोग ऑलरेडी बहुत वर्क कर चुके हैं, डीजी बस बहुत पुराना जजमेंट है, हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके सिविल प्रोसीजर कोड को कुछ इम्प्रोवाइज कुछ बेहतर किया गया है, लेकिन मुझे इतना कंसीड करने की इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं बहैसियत लॉयर बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं पाया हूं इन तरह की प्रयोगशालाओं में बोलने का, और मोर इम्पोर्टेंटली जब मैंने इतने बासलाहियत लोगों को सुना है और शायद फील भी किया है, जो डिस्टर्बेंस जो पेन जो परेशानी मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल और उनकी पेन को एहसास कर रहा पूरा हिंदुस्तान इन पर्टिकुलर, तो ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है कि इंडिया जैसी बिगेस्ट डेमोक्रेसी जिसको हम एज लॉयर्स हम एज सिटीजन्स बड़े ही प्राउड के साथ कहते हैं कि वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी, हम एक सभ्य समाज, हम रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस करते हैं, लगता नहीं इन चीजों को सुन के कि ये सिचुएशंस हैं। जनाब अर्शद साहब बता रहे थे कि इश्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद ये इशू इसलिए भी प्रोलॉन्ग हो रहा है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको फाइट आउट कैसे किया, इससे लड़ा कैसे जाए, इससे रेड्रेस कैसे किया। आज ये अशर मुस्तफा आपके सामने कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलता है, आप इस अशर मुस्तफा को नहीं जानते, इसके एंटीसीडेंट को नहीं जानते, एंड दिस इज द कंसर्न ऑफ दीज एक्टिविस्ट हु आर वर्किंग ऑन दिस इशू कि कल हो के परसों हो के इस अशर मुस्तफा को अरेस्ट किया जाता है सेइंग दैट दिस फेलो इस आदमी का कुछ कनेक्शन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंटेलिजेंस रिसोर्सेज से पता चला है कि ही इज नॉट अ राइट पर्सन, ही इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो पता चला अर्शद मुस्तफा को पटना से अरेस्ट किया गया या उनके होम टाउन सीतामढ़ी से किया गया, दिखाया कहीं बेंगलोर से किया गया, रांची से गया, अरेस्ट कहीं और किया गया, प्रोसीडिंग कहीं और चली, ना हमारे अब्बा को पता है कि हम कहाँ हैं, ना हमारी अम्मा को पता है, ना जो हमारे चरखा है उनको पता है, ना आपको पता है। तो इशू दो है, एक तो इतनी बात समझ में आती है कि फॉर रीजंस वी डोंट नो that there is an organized campaign to thwart the entire system. हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दिवालिया बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन, और ये एक इंस्टेंस है, there are several other instances because this session is devoted to these illegal arrest of Muslims, young guys who are engineers and doctors. They are educated young guys. Very few Muslims are educated. You know that. उसमें भी targeted उन लोगों को जो अच्छे हैं, जो engineers हैं, किसी तरह से पढ़ लिए हैं, जो doctors हैं, जो थोड़े civilized community को represent करते हैं, जिनको अपने बातों को रखने की सलाहियत है, तो ऐसे voices को बंद किया जाए। तो इशू दो है, ये कि हो सकता है पांच लोगों को अरेस्ट किया गया, although I perceive that probably barring one or two exceptions most of the people who's being arrested, you know, most of the people they are innocent, lekin then let be not dissuaded ke main kya sochta hu, fact remains ke agar पांच लोगों को अरेस्ट किया गया दरभंगा से या पटना से, पांच में से चार एक्चुअली टेररिस्ट हैं, या पांच में से पांचों टेररिस्ट हैं, या पांच में से एक टेररिस्ट है,
हमको उनका एंटीसीडेंट मालूम है कि नहीं, उनका एंटीसीडेंट बहुत रेयर लोगों को मिलता है, दोज इंटेलिजेंट पीपल इन द इंटेलिजेंस. लेकिन बहैसियत एक सिविलाइज कम्युनिटी, इस वजह से कि हम रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ कानून का राज होता है, कम से कम इतनी जिम्मेदारी, इतना दायित्व, इतना हक तो हम लोगों पे है कि जब कल अशर मुस्तफ़ा को उठाया जाता है तो उनको पटना से उठाया जाए तो ये न कहा जाए कि रांची से उठाया जा रहा है. जब उनको पटना से आज उठाया जाता है तो ऐसा नहीं हो कि अशर मुस्तफ़ा के फादर को एक साल पता ही नहीं चला कि उनका बेटा हिंदुस्तान में है कि जिंदा है कि मर. सो इश्यूज दो हैं. कभी कभी हम लोग थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक्चुअली उसने किया कि नहीं, हम भी नहीं जानते वो सही आदमी है कि गलत आदमी. मान लो कि वो गलत आदमी, दिस इज द सेकंड इशू, वो सही आदमी है कि नहीं, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट्स है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो प्रोसेस हो. लेकिन सही हो या गलत हो, गलत आदमी को भी तो कानून में कुछ हकूक दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, जिसके लिए आप फाइट आउट करते हैं. आई एम द न्यू किड इन दिस, मैं बहुत नया हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं जितना आप लोग जानते हैं. कुछ कानून की किताबें पढ़ी हैं, नया नया वकालत शुरू किया हूं, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी. बट देन व्हेन आई एम हियरिंग पीपल हु आर सो इन्फॉर्म्ड, जब मैं इतने इन्फॉर्म्ड लोगों को सुन रहा हूं, ऐसे लोगों को सुन रहा हूं जिन्होंने सालों साल इस पे काम किया है, देन प्रॉब्ली आई रियलाइज कि अगर आई एम एक्चुअली एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, मैं अगर एक जिम्मेदार नागरिक हूं हिंदुस्तान का, लॉयर होने से तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो इतने वाइटल इश्यूज पे अब साइलेंट नहीं रहा. और ये भी क्लियर है कि इतने वाइटल इश्यूज को ना तो सोशल वर्कर्स एक्टिविस्ट अकेले कर सकते हैं फाइट आउट, और ना तो हमारे जैसे पुअर लॉयर्स फाइट आउट कर सकते. एंड प्रॉब्ली दैट इज द कंटेक्स्ट जिसमें HRLN ने डिसाइड किया कि इट इज हाई टाइम वी शुड हैव अ मीट फोर्थविथ विदाउट एनी डिले, दैट व्हेन पीपल, व्हेन जर्नलिस्ट लाइक यू हु आर बीटन अप इन मुजफ्फरपुर, हुज मैटर्स रिमेन पेंडिंग फॉर इयर्स, जिसमें कोई मैटर्स टेक अप नहीं होता है, जिसमें इतने ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के तहत एक बैकवर्ड कम्युनिटी को, एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी को, एक लेस एजुकेटेड कम्युनिटी में सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों को टारगेट किया था. मुझसे गुजारिश हो रही थी कि आप कानून पे बात करें, मैं कानून पे भी ब्रीफली बात कर लूंगा, बट प्रॉब्ली माय मेंटर एंड सीनियर कॉलेज, ही अंडरस्टैंड्स दैट मोस्ट ऑफ यू नोज डीटी वासु बेटर देन मेनी ऑफ द लॉयर्स, सो ही सेज दैट यू ट्राई एंड एटलीस्ट आंसर टू द क्वेश्चंस टू द कंसर्न्स व्हिच दीस जेंटलमैन हैव रेज्ड हियर, जो इन लोगों ने रेज किया है. तो प्रॉब्ली दिस मीट, ये जो मीट हम लोगों ने किया है, दिस इज प्रिसाइजली एन एफर्ट, ये हमारे और HRLN के पार्ट में एक कोशिश है कि वाई डोंट वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, क्यों नहीं हम लोगों के पास एक डेडिकेटेड टीम हो इफेक्टिव लॉयर्स की, अच्छे लॉयर्स की, हु आर नॉट स्केयर्ड, जो डरते नहीं है, हु आर रेडी टू फाइट आउट, जो लड़ने के लिए तैयार हैं, टू प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी, हमारे समाज. And that is where we are saying that this forum, if God so desires, inshallah, we would try कि एक ऐसा networking हो between human rights law network and effective activists like you, कि कभी भी कोई issues को raise करना हो तो उसको without any delay effectively court में रखा जा सके. There are two issues. एक मैटर शुड बी ब्रॉट टू द राइट फोरम, सही फोरम पे मैटर्स को लाया गया और उसको सही तरीके से प्रेस किया गया. आप लोग बहुत सारे इश्यूज पे काम कर रहे हैं, मैं भी एक साल से यहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं थ्रू सम लॉयर और द अदर. लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि या तो हमारी कमी के वजह से हमारे मटेरियल्स रेडी नहीं, हमने होमवर्क अच्छा नहीं किया,
या तो जो एडवोकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी कमी की वजह से. एक ऐसा सिचुएशन स्टेट ऑफ बिहार में आ गया है जहां बेंच डोमिनेट कर रहा है, जजेस डोमिनेट कर रहे हैं इन इश्यूज पे, वो इंडल्ज नहीं कर रहे हैं, वो आपके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको सरकार के पास दे दें, वही सरकार जिससे आप ट्रस्ट होके लौट के कोर्ट में आए. तो HRLN इसी कोशिश से बिहार में पनपने की कोशिश कर रहा है कि आपको थ्रू अ हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एंड इंटेलिजेंट लॉयर्स के ग्रुप से आपके बोनाफाइड इश्यूज पे आपको टाइमली रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में दे. और हमारा एफर्ट ये भी होगा कि जो जजेस हमारे इश्यूज को नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम अपने एफर्ट का स्टाइल चेंज करें, थोड़ा और कंसर्टेड बनावें, थोड़ा होमवर्क और बेटर करें और इंश्योर करें कि वही जजेस इंडल्जेंस करेंगे. आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ फाइलिंग वन और टू PILs इन माई वन ईयर एक्सपीरियंस एज अ लॉयर. फॉर्चुनेटली एक दो अच्छे मैटर्स में, दो 300-400 स्कूल का था बुनियादी विद्यालय एस्टैब्लिश बाय गांधी, आफ्टर सो मच ऑफ रेजिस्टेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एस्पेशली चीफ सेक्रेटरी टेकिंग द पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, अल्टीमेटली कोर्ट वाज फोर्स्ड टू टेक इंडल्जेंस एंड दे आर वर्किंग टू रिस्टोर दोस 350 बुनियादी स्कूल. तो यही हमारी कोशिश है कि सारे डिस्ट्रिक्ट से एक नेटवर्किंग हो जहां हम फ्री लीगल एड भी दें. और यहां पटना हाई कोर्ट में जैसे ये अरेस्ट वाला मैटर चल रहा, ऑल्दो मेनी पीपल आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो इन सारे केसेस में जैसे जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला, राइट और रॉन्ग, सही आदमी है गलत आदमी है, टेररिस्ट है नहीं, एक इमीडिएट हैबियस कॉर्पस फाइल, एक इमीडिएट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करें बेसिक मटीरियल्स के साथ कि भाई देयर आर मैंडेटरी प्रोविजंस, ऐसा प्रोविजंस है जिसको आप डेरोगेट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अरेस्ट के टाइम फॉलो करने का, इन प्रोविजंस को नहीं फॉलो किया गया, दिस डिटेंशन इज बैड. और एब्सोल्युटली ऐसी कोई भी वजह नहीं है अगर लीगल कम्युनिटी जो एक्चुअली सेंसिटाइज्ड है इन इश्यूज में और आप लोग एक जॉइंट एफर्ट करेंगे, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन आई सी इन माय लिमिटेड व्यू के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है. इट शैल हैव एन इम्पैक्ट जिसको पूरा बिहार देखेगा और हम भी गार्डेड फील करेंगे. कल हो कि किसी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के साथ कुछ होता है, उनको अगर थाने पे ले जाता है वहीं पिटाई कर देता है, सो देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन. उस पे हम इंस्पेक्टर पे जो SHO है वहां का, जो IU है, उस पे हम क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, कंप्लेंट केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. कंप्लेंट केस प्रोबेबली बेटर है अगर पुलिस आपके साथ गड़बड़ कर रहा है, अगर आप इफेक्टिवली परसू कीजिए मैटर्स को सीरियसली. मैटर्स में डीले इस वजह से भी होता है बिकॉज पर्सनली हम लोग बहुत उसको सीरियसली लेते हैं, एडवोकेट्स भी बहुत सीरियसली नहीं लेते. जैसे इन्होंने एक इंस्टेंस दिया मुजफ्फरपुर से कि हमको पीटा गया, सिर्फ दो गवाही का स्टेटमेंट हुआ एक साल. आई एम श्योर एज अ लॉयर, एक साल मैंने ट्रायल तो किसी भी की है सीतामढ़ी में, कि उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है और कहीं ना कहीं कमी उन एडवोकेट की भी है जो आपको रिप्रेजेंट कर, क्योंकि हम नहीं देखते हैं एज ए प्रैक्टिशनर कि हम अगर चाहें तो दो महीने में क्यों नहीं कॉग्निजेंस हो जाएगा, तीन महीने में क्यों नहीं कॉग्निजेंस, एकदम तीन महीने में कॉग्निजेंस होगा, बीट SP, बीट DSP, बीट DIG, वारंट इशू होगा, अवेलेबल वारंट होगा, फिर नॉन अवेलेबल वारंट होगा, ही विल बी फोर्स्ड टू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ. मेरे क्लाइंट्स हैं DIGs वगैरह हैं, वो अपने कुकर्म का अभी केसेस धो रहे हैं, उनको डिफेंड करना पड़ रहा है, आज भी कहीं वहां पोस्टेड है SP थे, कहीं कुछ गलत काम किया तो प्रमोशन नहीं. We can very easily do it. The only issue is that you have to go to the right person. We have to do it in the right manner. I think things would fall in place. जहाँ तक के डीडी वासु जजमेंट का सवाल है, I think most of you must be knowing कि डीडी वासु ने एक comprehensive गाइडलाइन इशू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि उस वक्त लॉ नहीं था हमारे पास, स्टैट्यूट नहीं था, कोई इनैक्टमेंट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस वक्त. उस गैप को फिल करने के लिए
एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 12 पॉइंट गाइडलाइन दिया था, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू देम। एचआरएल ने आज एक बुकलेट भी सर्कुलेट कर रहा है, उसमें भी वो 12 पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिए हैं। एंड फॉर्चुनेटली इन 2006 एंड 2008 सब्सटैंशियली दोज पॉइंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, संशोधन करके उन पॉइंट्स को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ले आया गया। मैं बहुत ब्रीफली 5 मिनट में उसको आप लोगों की जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ। 41B में दिया गया है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। उसमें कहा गया है कि जो भी ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आता है, ये जरूरी है कानून में कि उसका आइडेंटिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए और वो आइडेंटिफिकेशन उसके हुलिये से दिखना चाहिए। लैंग्वेज जो उसका यूज किया है कि आइडेंटिफिकेशन शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी विजिबल, इट शुड बी क्लियर, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका नाम क्या है, वो किस थाना से आए, सो दीज आर द डिटेल्स, वो उनकी जिम्मेदारी है। दीज थिंग्स शुड बी देयर। द लॉ आल्सो प्रिस्क्राइब्स के जब भी कोई ऑफिसर इंचार्ज, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई एएसआई, कोई एसआई अरेस्ट करता है, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, उसको डेरोगेट नहीं किया जा सकता है कि आपको एक अरेस्ट मेमो बनाना है, दैट इज डिटेल्स ऑफ अरेस्ट। इफ यू डोंट मेक, बिहार में तो हमने देखा कि बहुत